फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कही जोश में देखने वाला। चलो आज हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं पढ़ रही हूँ ईद की नमाज़। मुझे पता है नमाज़ पढ़ते हुए बिल्कुल भी वीडियो वगैरह नहीं बनानी चाहिए, पर थोड़ी सी क्लिप जो है वो मैंने बनाई है क्योंकि ये मेरे रूटीन में है इसलिए। और मेरे से आपको पता होगा कि मैं खड़ी होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो इसीलिए मैं बैठकर ही नमाज़ पढ़ती हूँ। बैठकर भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, जब मैं सजदे में जाती हूँ तो मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ चाय। सफ़ाई की थी अजरुन ने, मैं रात करके ऑलरेडी सफ़ाई सोई थी। चाय पकाते पकाते मैंने यहाँ पर रख दिया, भिगो दिया है सिर के लिए चावल, और इन्हें भी धो के अच्छी तरह से, और मैं फिर इन्हें भिगो दूँगी। और अभी मैं कुकर में कर लूँगी सारा दूध, क्योंकि हमारे थैलियों का ही दूध आता है। आज मैं थोड़ी सी सीर बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, और इसलिए मैं सीर अपनी इसमें कुकर में ही बना लूँगी। आज भगोने में नहीं बनाऊँगी क्योंकि भगोना बहुत बड़ा है, सारा गंदा हो जाएगा। ईद पे तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, पर बकरा ईद पे बहुत कम गेस्ट आते हैं, तो इसलिए थोड़ी सीर बनाऊँगी घर घर के लिए, तो इसे मैं बना लूँगी कुकर में। सारी जो थैलियाँ है, सारा दूध है, वो सारा मैं कुकर में पलट लूँगी। जो चावल मैंने भिगोए थे उन्हें मैं मिक्सी के जार में डाल लूँगी, और इन्हें मैं अच्छे से फिर पीस लूँगी, इनका बिल्कुल दूध सा बन जाएगा, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सीर। तो आप देख सकते हो मैंने चावल जो है वो पीस लिए, और चावलों को मैंने कर लिया है इतना बारीक। और अभी इन चावलों को मैं, पिसे हुए चावलों को डाल देती हूँ दूध में। ये देखिए मैंने दूध में डाल दिए हैं, और अब मैं इसे गाढ़ा होने तक जितना हमें चाहिए उतना, मतलब जैसी हम सीर खाते हैं, आपके यहाँ खाते हो ऐसी, हम इसे पकने तक चलाते हुए, चमचे से चलाते हुए पका लेंगे। तो आप देख सकते हो मेरी जो खीर है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, और बिल्कुल रबड़ी सी बन के यह तैयार हुई है, ये देखिए। और अभी मेरे पास है कुछ मेवा, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े से मेवा है, काजू है, बादाम पीसते हैं, थोड़े से खरबूजे वाले बीज है, किशमिश है, इन सारों को मैं अच्छे से काट लूँगी या तोड़ लूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये सारे सीर में डाल दूँगी। तो अभी मैं इन्हें पलट देती हूँ सारों को सीर में, और इन्हें मैं मिक्स कर दूँगी। इन्हें मिक्स करने के बाद फिर इसमें चीनी डालने का, जितनी भी आपको चाहिए हो, जितनी मीठी आप खाते हो। हमारे यहाँ तो खूब मीठी खाते हैं, हमारे ये उम्र के पापा बहुत मीठी खाते हैं, पर फिर भी मैं ज़्यादा मीठी बनाने के लिए ये डाल दी मैंने चीनी, क्योंकि हम भी खाएंगे और कोई एक दो बाहर का भी आदमी आ जाए, तो इसलिए मैं मीडियम ही बनाऊँगी। तो आप बताना आप में से किस किस ने ईद वाले दिन शीर बनाई है, ठीक है, क्योंकि शीर बहुत अच्छी लगती है। और फिर इसके बाद मैं अभी भून रही हूँ गोश्त। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, कैसे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सभी की ईद बहुत अच्छी बने और खुशी खुशी बने। तो आज मुझे एक पुराना स्टाइल याद आ रहा है, गांव में ना औरतें ऐसे घूंघट करा करती थी, ऐसे ऐसा मुँह दिखता रहता, घूंघट में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कही जोश में देखने वाला। चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। वैसे आज का दिन है ना बहुत ही हार्ड होता है हम औरतों के लिए, क्योंकि खाना 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 खाना, केवल खाना खाना बना है बकरा ईद वाले दिन। खाना बनाते रहो, अब ये बना दो और अब ये बना दो और अब ये बना दो, बस ये चलता रहे। इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम तो कम ही मिलेगा, लेकिन जितना भी मिलेगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर से करूँगी। सुबह मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर खाना बनाया, और अब भी मैं बनाऊँगी बिरयानी, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैंने बिरयानी की जो अखनी है वो बना ली है, और अभी मैंने चढ़ा दिया है गैस पे कुकर, और अभी मैं बनाऊंगी बिरयानी। आप सभी खाओगे बिरयानी, बताओ किस किस को पसंद है बिरयानी खाना। तो आप देख सकते हो मेरी बिरयानी तैयार हो गई है, और मेरी चटनी भी, आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए। जिनके यहाँ कोफ्ते कूटने की मशीन नहीं है उनके लिए इजी तरीका है, छोटी छोटी बोटियाँ कीजिए और मिक्सी के जार में डाल लीजिए और चला लीजिए। देखिए मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि कितना बारीक और कितना अच्छा पिसता है। आपको मशीन की ज़रूरत है ही नहीं, बस मिक्सी आपकी अच्छी होनी चाहिए, खटारा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी मिक्सी बहुत अच्छी है, नहीं है तो इसलिए मैंने इसी में पीस लिया, क्योंकि हम हर साल कहीं कुटवाते हैं, अपनी फुप्पो के यहाँ कुटवाते हैं, वो इस साल यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमने घर पर ट्राई किया और घर पर बहुत अच्छा पिसा। आप देख सकते हो कितना
कितना अच्छा जो है वो पिस गया है, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सॉफ्ट पिस गया, देखो कितना अच्छा पिस गया है ना। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करिए और इसे थोड़ा थोड़ा ही पीसिए, यानी कि आप मिक्सी भर दो तो मिक्सी हो जाएगी ख़राब। मैंने सारा धीरे धीरे करके इसी तरह से देखो ये पीस लिया, और अभी मैं और भी पीसूँगी क्योंकि कोफ्ते बच्चों को हमारे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोफ्ते ही बनाऊँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा सारा गोश्त जो है वो पिस गया है, और अभी मुझे करनी है इनके कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो आइए चलिए करते हैं हम तैयारी, इसमें क्या क्या हमें चाहिए होगा है वो सब हम कर लेंगे अब तैयार। यहाँ पर अभी मैंने पीस लिए हैं भुने हुए चने, और देखिए कितने अच्छे जो हैं पीस गए हैं। ये इनका चनों का ही खेल है, इसमें चने इसमें बहुत ज़रूरी डलते हैं कोफ्तों के गोश्त में। और अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्याज जो हैं वो छील लिए हैं, और अभी मैंने कद्दूकस में काट लूँगी। आपके यहाँ चॉपर हो तो आप चॉपर में भी काट सकते हो, इसमें पीस के नहीं डलती है कट के डलती है। तो मैं अभी कद्दूकस में काट लूँगी, मेरा चॉपर जो है वो ख़राब हो गया है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे प्याज जो है वो काट ली है, इसमें हरी मिर्ची मैंने काट ली है, और यहीं पे मैं डाल लूँगी अपना ये जो मैंने पेस्ट ये चूरा बनाया है चनों का, ये भी मैं इसमें ही डाल लूँगी। और इसमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है नमक की, थोड़ी सी लाल मिर्च और डालूँगी मैं इसमें पिसी हुई। और डलता तो डाल तो आप कुछ भी सकते हो, अदरक बना के छोटे छोटे टुकड़े करके काट डाल सकते हो, खसखस डाल सकते हो, बट मैं ये सभी डालती हूँ, मैं इससे ज़्यादा सामान नहीं डालती हूँ। और ये सब इसमें आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसमें। सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है, और फिर अब मैंने बना ली है इसकी सारे की गोलियाँ, जितनी भी बड़ी आपको चाहिए हो आप पसंद करते हो इतनी गोलियाँ बना लीजिए। और अभी मैं इन्हें उबाल लूँगी, उबालने के लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और अभी मैं इन्हें कोफ्तों को कर लूँगी कढ़ाई में ट्रांसफ़र। तो मैंने सारे कोफ्ते जितने भी इसमें आए कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिए, और अभी इसमें पानी का छींटा सब लगा देंगे ऐसे, इसमें पानी नहीं डालना है, केवल छींटा सा ही इसमें पानी का लगाना है, और इन्हें गैस पे रख देना है। तो ये देखिए इनका कलर जो है वो चेंज हो गया, तो इस तरह से इन्हें पलटते हुए पका लेंगे, और ये उबल जाएंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज हो जाता है, बस यही इनका मतलब निशानी होती है कि हाँ ये पक गए हैं। और ये देखिए इनका जो पानी है वो बिल्कुल सूख गया है, और तो ये अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, और इसमें दूसरे इसी तरह से करते हुए सारे जितने भी हमने बनाए हैं वो हम पका लेंगे। कोफ्ते मेरे सारे उबल चुके हैं, और अभी मैं इनकी बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो उसके लिए मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, और अभी उसमें मैं डाल दिया है ऑयल, और उसमें कुछ ऑयल गर्म होने के बाद अभी मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ थोड़े से खड़े मसाले, जो भी आप एक्स वाई जेड पसंद करते हों। तो आज फुल कोफ्ता की रेसिपी मैं आपको बता सकती हूँ कि बताने वाली हूँ कि घर पे आप कैसे बनाएं, अगर आपके पास मशीन वगैरह कूटने के लिए नहीं है तो। मैंने टमाटर और प्याज की प्यूरी बना ली थी, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर प्याज का पेस्ट, और इसके बाद इसमें जो भी आपको खड़े मसाले की ज़रूरत हो, नमक, हल्दी तो नहीं डालते हैं वो उसमें, नमक और पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छे से चलाते हुए मसाले को जो है वो भून लूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा जो मसाला है वो लगभग तैयार हो गया है, पक चुका है, क्योंकि इसने तेल छोड़ दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे जितने भी कोफ्ते हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ऐसे भुने हुए भी खा सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। अभी ये सारे कोफ्ते हैं मेरे, मैं डाल दूँगी इसमें, सारे डालूँगी, कुछ मैं ही बचा लूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बचा के फिर काम आ जाएंगे, हम इन्हें फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। ये इसमें मैं इन्हें डाल दूँगी सारों को, और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने जो है इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। आप ऐसे भी खा सकते हो अगर आप सूखे खाना पसंद करते हो, हमारे यहाँ सूखे बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत कम सब्ज़ी सूखी खाई जाती है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, और बस फिर हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। आज मुझे सुबह से सच में काम करते हुए हो गया, खाना इतना बनाया बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो हमारी जो सब्ज़ी है वो हो गई है रेडी। आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए हमारी ईद की कोफ्तों की सब्जी, और इधर बन गई है रोटियां। और ये देखिए कैसा लगा आपको हमारा कोफ्ते की रेसिपी, ज़रूर बताना कमेंट करके, और आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए। और वीडियो का एंड भी हम यही करते हैं क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।